हेलो। हाँ जी, तो नई बुजुर्ग का एनपीएस सिस्टम, इसकी खोज में 2 साल से कर रहा था, पढ़ रहा था, जान रहा था। और जब मैंने गुरुदेव को फोन किया, दीदी चौहान साहब को, कि मैं क्या करूँ, मुझे 4-5 दिन से नहीं चलेगा, मेरा वजन 145 किलो है, और मुझे मतलब ऐसा सिस्टम चाहिए जहाँ मैं 15-20 दिन का शिविर में जा सकूँ और उसका फायदा उठा सकूँ। तो उन्होंने मुझे एक नाम दिया, बोले महेंद्र भाई। आप महेंद्र भाई के पास चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। बोले उन्होंने स्टार्ट किया सिस्टम और बोले वहाँ आपको सही चीज मिलेगी। और यहाँ आने के बाद मैंने महेंद्र भाई से बात की और ये सारा प्रोग्राम जो सेट हुआ जैसे भी, तो मैं मेरी बहन को, मेरी वाइफ को, मेरी भाभी को लेकर आया साथ में। और मैं चाहता था और भी बहुत लोग आए, लेकिन वो होता ना कि जिसकी किस्मत में जितना मिलना लिखा होता है उतना ही होता है, उसका पुण्य के हिसाब से उसको मिलता है। तो शायद हमारे पुण्य और कर्म अच्छे थे कि हमको ये यहाँ आने को मिला, चांस मिला। अब रही बात जो ये 4 दिन की कोर्स की, तो 17 दिन बहुत बड़ा लगता है, लेकिन हर रोज का जो 1 दिन हमने जो गुजारा, वो पहले दिन इतना कॉन्फिडेंस दिया हमको कि यस हम ये कर सकते हैं। दूसरा दिन और भी कॉन्फिडेंस रहा, तीसरा दिन और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला, चौथा दिन इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस मिला कि जैसे कल का जो आविष्कार क्या हुआ था, कल का आविष्कार, उस आविष्कार में सब ने हमको बिस्किट्स और मतलब सब बताए थे कि बिस्किट और ये वेफर्स और जितनी भी जो चीजें हैं, रोटी और क्या बोलते हैं कुछ पास्ता, ये सारी चीज को रखिए, उन्होंने आविष्कार करके दिखाया था। और उसका असर ये हुआ कि शायद अगर हम लोग बोलते ना भांग खाते हैं तो हमको इतनी अकल अगर है तो शायद ये चीज हम कभी वापस नहीं खाएंगे। और इट वॉज लाइक हिटिंग द नेल ऑन द हेड, ये सर पे एक नेल मारने वाली बात थी। कल का जो आविष्कार देख के उसके बाद में शायद मेरे को लगता है कि हमारे घर में कभी बिस्किट सुगर नहीं आएंगे। इसमें सबका साथ ही मेरे अकेले की करने से नहीं होता। आज जैसे सर ने अभी बोला कि मैंने पढ़ाना छोड़ दिया, अपनी पूरी वो क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशन जहाँ पे 600-700 बच्चों का मैं कोचिंग करता था वो छोड़ दिया, मेरे घर में कार आ सकती थी मैंने वो छोड़ दिया। और उसका सबूत उन्होंने करके दिखाया, अपनी बच्ची को उन्होंने स्कूल नहीं भेजा था। ये सबसे बड़ी बात है। लोग कहते हैं सब बताते हैं और सब समझाते हैं, सब दिखाते हैं, लेकिन कोई फॉलो करता है तो मतलब फॉलो करना बहुत मुश्किल काम होता है। इन्होंने इतना बड़ा रिस्क भी अपनी बेटी को वहां से हटाया और उसका नतीजा क्या है जो आज हम देखते हैं उस गुड़िया के अंदर, वो लगता है जैसे कि 16 साल में 61 साल वाली बातें कर दी है, इतनी उसमें मेच्योरिटी है। तो ये चीज एक हमको यहाँ देखनी पड़ेगी। आज का जो ये आविष्कार है ना, तो अभी तक मेरे को लगता था मैं 4 दिन से लगा हूँ, लेकिन बार बार अपने अंदर एक चैलेंज पैदा होती थी कि कैसे हम कर पाएंगे क्या, क्योंकि जो 58 साल तक किया है उस चीज को तोड़ना, वो जो रिकॉर्डिंग है उस रिकॉर्डिंग को डिलीट करना और नई रिकॉर्डिंग मिटाना, इट इज रियली लाइक हिमालय चलने वाला मामला। और उसको सिंप्लीफाई करने का एक फायदा हुआ इस कोर्स में आने का कि इट गेट सिंप्लीफाइड हियर। ये जो आविष्कार करके दिखा रहे हैं कि किसमें जीवन देने की शक्ति और किसमें नहीं है, अगर ये टूट सकता है तो ये हमारे पेट में जाके क्या करेगा। एज सिंपल एज दैट कि हम कुक्ड खाना खा रहे हैं, अगर उस कुक्ड खाने को छोड़ना है तो हमको ये समझना होगा। और इट इज अगेन सेकेंड नेल हिट ऑन आवर हेड दैट वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू ब्रिंग अ चेंज अबाउट आवर लाइफ, क्योंकि अगर हमने चेंज नहीं किया तो हम लोगों को फिर डॉक्टरों का वहां जाना पड़ेगा और सर सर के गल गल के तरफ तरफ के जिंदगी की कमाई एकदम सौ में सच है। तो थैंक यू सो मच सर, ये 5 दिन का जो 4 दिन का अनुभव हमने लिया है, जो खाना हमने खाया है वो अपने आप में एक क्या बोलते हैं एक आविष्कार बोलो या एक रेवोल्यूशन बोलो या एक समझ बोलो कि खाना सिर्फ पकाकर खा ही सकते हैं, पकाकर खाने में ही टेस्ट आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कच्चे खाने को भी या उनको भी रूप दिया जा सकता है और उसमें हर डिश आप जो चाहते हैं, आपको पानी पूरी चाहिए पानी पूरी मिलेगी। हमने कल आइसक्रीम खाया, आपने भी मेरे ख्याल से कुछ गेस्ट कर आए थे जिन्होंने आइसक्रीम चढ़ा कर खाया आप लोगों ने, सो हाउ वाज द फीलिंग। कुछ कम लगा क्या कि हम जो रोज खाते हैं वो मैकडॉनल्ड या किसकी भी जिसकी भी बोलो आइसक्रीम वगैरह उसके वड़ी लाल की बोलो जितनी बोलो उससे कुछ कम थी क्या। इनफैक्ट ऐसी आइसक्रीम आजकल 2 रुपए भाव से बिकती है ना, वीगन आइसक्रीम बोलते हैं, शुगर फ्री आइसक्रीम बोलते हैं आजकल, वो 2 गुना भाव से बिकती है। तो व्हाट वी हैड यस्टरडे वाज एन एक्सट्रॉर्डिनरी प्रोडक्ट है ना। तो ये चीजें मतलब है ना जिंदगी को हमको एक नया डायमेंशन दे रही है और इसको अपनाना
हमारा काम है सोच समझ के साथ, सोच समझ बूझ के साथ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ महेंद्र भाई का, एडमिशन सिस्टम के थ्रू वो जितना बहुत काम कर रहे हैं और हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है। यस, इट इज पॉसिबल। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू लिसन टू मी।